प्रणाम। हाय खुशामुद्दीन, मैं तो अदर आप सबके बिन। आप देख रहे हैं सत्या भैरवी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सत्या। दोस्तों, आपको तो मालूम ही होगा सुशांत सिंह सुसाइड केस के बारे में। पूरे 80 दिन बीत चुके हैं उसके बाद। काफी दिनों से, 3-4 दिनों से रिया चक्रवर्ती का लगातार उनका इंक्वायरी चल रहा है। और मंडे, ट्यूसडे और 3 दिन लगातार वेनसडे और 8 मंडे को तो उन्होंने तो लगातार 8 घंटे तक उनका इंक्वायरी हुआ था। और उसके बाद आज भी उनका इंक्वायरी हुआ है। इसमें उनके भाई और उनके मैनेजर, उनके साथ बैठ के उनका इंक्वायरी हुआ था और इसमें उन्होंने कबूल की है कि अपनी गलती। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ड्रग्स लिया है, पर उन्होंने इतना कहा कि मैंने सिगरेट और दारू पिया है। वो भी जो भी किया है सुशांत के लिए किया है, क्योंकि बंदा सुशांत तो मर चुका है, वो तो आगे जवाब नहीं देगा, इसलिए उस पर ठोक दिया है। कमाल की लड़की है, क्या करे, क्योंकि मर चुका है वो बंदा आगे, तो उससे तो कोई पुलिस एंकर नहीं करने वाली है कि नहीं। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट तो आगे नहीं करेंगे, NCB, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। अभी उन्हें अरेस्ट किया गया है और उनका मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद उन्हें फिर ऑनलाइन में उनका ऑनलाइन कोर्ट में पेश किया जाएगा और उन्हें रिमांड में लिया जाएगा। हमारी कंगना राउत जी पे तो दिन ब दिन मुश्किल बढ़ती जा रही है। बोले हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें वाइस सेक्रेटरी का हिफाजत दे रखा है, पर उनके लिए दिन ब दिन संकट बढ़ती जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना के जो MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय राउत से जबान लड़ा लिया उन्होंने, उल्टी सीधी उन्होंने ट्वीट कर दी वीडियो बना के। इसके कारण अभी उन पे प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि उनका मेडिकल चेकअप होगा कि वो ड्रग्स लेते हैं कि नहीं। अगर इसके लिए कंगना राउत जी ने कहा कि अगर मैं पॉजिटिव निकलती हूँ तो मुंबई छोड़ दूंगी, ऐसे भी उनपे अभी शिवसेना वालों ने तो फिर पुलिस कंप्लेन दे रखा है कि राजद्रोह का दे दिया है उसने, हमें मुंबई को POK कहा। इसके लिए एक तरीके से तो देखे तो सही है और एक देखो तो गलत है कि इस तरह बात नहीं करना चाहिए था कंगना राउत जी को भी, और सोच समझ के बात करना था जो भी करना था। इसके लिए उन्हें आज इस तरह का प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। ये आज की दूसरी बड़ी खबर। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि तेलुगु इंडस्ट्री में सबसे फेमस और एक कॉमेडियन एक्टर जयप्रकाश रेड्डी हमारे बीच नहीं रहे। काफ़ी सीनियर एक्टर और कॉमेडी एक्टर, गुंटूर में उनका घर है, उनका गांव है, वहीं उन्होंने अपने आखिरी सांस ली। उन्हें हार्ट अटैक आया और उन हार्ट अटैक से चल बसे। काफ़ी दुख की बात है, इसलिए हम ऊपर वाले से दुआ करते कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल सत्या भैरवी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।